भैया। अंगारे हैं अभी तक। आज जिसका भी दाह संस्कार हुआ है यहाँ पे, आ जाओ किशन जी पास में आ जाओ। आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे जो चीता थी ताजा है बिल्कुल, अंगारे अभी तक जल रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों आप सभी के कमेंट आ रहे थे क्या जितेंद्र भैया एक बार उस लोकेशन पे जाओ जहाँ पे वो शमशान घाट है, और उस शमशान घाट के अंदर आप जाके खाना खा के बताता हूँ मैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ चीजें ऐसी लेके आया हूँ लोकेशन को, मैंने भी बहुत ज्यादा गौर करके देखा था दोस्तों, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि इस लोकेशन पे एक बार जाके मुझे देखना चाहिए कि वास्तव में यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी है जिससे लोग यहाँ पे डर जाते हैं। इस लोकेशन पे मैं नग्गे पैर घूम रहा हूँ यहाँ पे और आपके सामने इस भरी गर्मी के अंदर इस चिता के पास में खड़ा हूँ, और मैं शमशान की रात को हाथ में लेके बोल रहा हूँ आपको, ये महाकाल की भूमि है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई एक्टिविटी होगी ऐसी। मगर फिर भी आपके जो कमेंट आए मेरे पास में क्या जितेंद्र भैया कि शमशान घाट के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है, एक बार इस लोकेशन पे जाके और आप खाना खा के बता दो हमारे को। तो आज मैं साथ में कुछ लेके आया हूँ जो यहीं पर खा के बताऊँगा मैं आपको कि शमशान घाट के अंदर अगर ऐसा कुछ होगा तो वो चीज़ सामने आएगी मेरे, और मैं हो सकता है उससे बात करने की कोशिश करूँ। मगर महाकाल की भूमि है दोस्तों, मैं फिर प्रणाम करता हूँ भूमि को, और आज जिसकी भी यहाँ पे चिता जली है भगवान श्री हरि उसको अपने चरणों में जगह दे, इतना ही कहता हूँ बस। दोस्तों किशन जी मेरे साथ में है, और किशन जी का ये कहना है कि जब मैं इस लोकेशन पे अकेला आया तो इसी लोकेशन के पास में कोई एक ऐसी परछाई मुझे नजर आई, और जब मैंने पूरी मेरी वीडियो देखी तो बिल्कुल करीब आ गई थी मैंने, जब इनकी नींद उड़ी यहाँ पे तो वो भगते हुए नजर आए यहाँ से। किशन जी का ये कहना है कि एक बार मैं खुद इस लोकेशन में जाना चाहता हूँ वापस आपके साथ में, वो देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक बार किशन जी लाइट बंद कर दो, टाइम दिखा देता हूं मैं। बारह बज के 36 मिनट। तो सबसे पहले प्रयास करते हैं कि यहां पे अगर कोई भी आत्मा है तो उससे बात करने की कोशिश करेंगे। आप जो कोई भी हो यहां पे मुझसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, और मुझे जहां तक लगता है अगर आपकी आत्मा यहाँ भटकती है तो वो किस कारण भटकती है ना मैं जानता हूँ ना कोई दूसरे जानते हैं। यहाँ पे मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये भोलेनाथ की पवित्र भूमि है, अगर यहाँ पे आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो शायद हो सकता है आपको कहीं पे भी शांति नहीं मिले। मगर फिर भी मैं आपको देखना चाहता हूं, अगर आप यहाँ पे मौजूद हो तो मेरे सामने आना, मैं आज पूरी रात यहाँ पे हूं। अगर आप मुझसे कुछ बोल सकते हो या कुछ इशारा दे सकते हो मुझे
तो मैं आपकी बात समझने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इतना बड़ा चैलेंज मैंने ऐसे ही नहीं लिया है। एक भाई है मेरे, समीर भाई, उन्होंने मेरे को इतनी बदतमीजी से बात करी। उन्होंने मुझे ये बोला कि कई सालों से आप वीडियो बना रहे हो, कुछ गाली वाली भी दी मुझे, और उनका ये कहना था, किस लैंग्वेज में बात करी मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। उनका बोलने का जो मकसद था वो ये था कि आप इस शमशान घाट में जाओ और एक बार आप में अगर दम है तो यहाँ पे खाना खा के बता दो आप, क्योंकि इस लोकेशन के बारे में मैंने बहुत सुना है पहले कि वास्तव में रियल में यहाँ पे कुछ है, और किशन जी के साथ में यहाँ पे पहले कुछ हो चुका है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर कुछ होगा तो देखते हैं। 12:36 आपको किशन जी ने टाइम बता ही दिया था। समीर भाई, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए ये भोजन कर रहा हूँ। मैं तो एक बात जानता हूँ दोस्तों कि अगर अपन अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का भी अधिकार नहीं है किसी को। मैंने मेरे जीवन में किसी को गलत ना तो बोला ना मैं बोलना चाहता हूँ। सब अपनी मेहनत के खाते हैं, और अगर आज इतनी परिवार को हम छोड़ के आते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हम सामने झेलते हैं, तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए। हमारा परिवार भी पीछे है, आपको हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए। हमारा गाली देने का अधिकार अपने सिर्फ माँ बाप को है, अदरवाइज किसी को नहीं है। गाली वो दे सकते हैं सिर्फ। फिर भी आपने गाली दी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ठीक है आपने बोल दिया होगा, उसका मुझे दुख नहीं है। मगर इस चैलेंज को जो मेरे को आप जिस तरीके से आपने बोला वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, इसीलिए मैं इस लोकेशन पे आया हूँ किशन जी के साथ में। ये लोकेशन दोस्तों मुझे भी पता नहीं था, मगर किशन जी ये लोकेशन विजिट कर चुके हैं पहले और अकेले आए थे। इनकी हिम्मत को दाद है, दाद देनी पड़ेगी मुझे। और मैंने इनकी जब वीडियो देखी तो मुझे भी लगता है कोई ना कोई चीज़ है यहाँ पर मौजूद। हाँ भाई, मुझे भी कुछ अजीब सी आवाज आई। बोलो। देखो फिर के पास में। बोलो। जब मैं अपनी आंखों के अंदर मेरे सामने अगर कोई चीज धुंधली आ रही है तो मैं आपको शोर नहीं बोल सकता हूँ, मगर मुझे कुछ ना कुछ नजर आया। अब मेरी आंखें अगर सही अच्छे से नहीं देख रही है तो कैमरा में पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, मगर वहां पे कुछ था। किशन जी वो चीज देखी जो आपके मैंने वीडियो में देखी थी? मुझे भी आवाज आई जोरदार। देखो अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप पास में आके मेरे से बात कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है हमारे यहाँ आने से तो हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या मेरे सामने आप दोबारा वापस आ सकते हो? इसे ये नोटिस करना आपके, आप कैमरा सामने रखना, मतलब अपनी आंखें है ना सामने। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे है ना ऐसा लगा कि कुछ तो कुछ है यहाँ पे, निकल के गया यहाँ से। वास्तव में किशन जी यार कुछ तो है यहाँ पे। दोस्तों मैं कभी भी शमशान घाट की वीडियो शूट नहीं करता हूँ, इसका रीजन है ये महाकाल की भूमि है। भले यहाँ पे आत्मा हूँ,
या कोई स्पिरिट हो, अपना कोई अधिकार नहीं है ऐसी लोकेशन विजिट करना। और अगर कुछ चंद व्यूज़ के चक्कर में अगर कोई लोग विजिट करते हैं कंटिन्यू ऐसी लोकेशन, तो मेरी नज़र में मगर कुछ ब्लॉगर हैं केवल एक चैलेंज के हिसाब से लोकेशन विजिट करते हैं, जैसे मेरे कुछ भाई है किशन जी आए थे, इनको भी चैलेंज मिला था बहुत बड़ा। तो एक चैलेंज जब हो जाता है ना, तो एक आदमी की मैं पे आ जाती है कि यार अपने को जाना ही पड़ेगा। उसी मैं के चक्कर में मैं यहाँ पे आया था कि मैं एक बार जाके और यहाँ पे शमशान भूमि को मैं धोख लगा के और यहाँ पे आपका चैलेंज पूरा करूँ, बस वही है। अरे लाइट बंद करना एक बार, चीज सामने आती है इसकी लाइट पावर बंद करो एक बार। क्या कोई यहाँ पे मौजूद है? क्या कोई यहाँ पे मौजूद है? अगर मौजूद है तो हमारे सामने आए। मैं आपके इसी शमशान घाट पे बैठा हूँ और मैं आपको देखना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई तकलीफ है तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसको पूरी करने के लिए तैयार हूँ। आवाज आई भाई, है ना? भैया जैसे कोई पायल की आवाज हो वैसे आवाज आ रही है। सामने देखो, सामने पेड के पास में देखो व्हाइट कलर, वो देखो कौन बेटा, देखो एक बार देखो, वो देखो, देखो वही चीज है जो आपके कैमरे के अंदर आई। पीछे जो पीछे जो पीछे जो नहीं है उसको कुछ बोलने का, अपन उनकी जगह। ओ भैया